आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है और स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज हम लोग मेंसुरेशन 3D का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और रिवीजन हम रिवीजन की तरह करेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको समझने की ज़रूरत ये है, पहली बात तो ये जो एल होगा यहाँ पर, ये आपका हाइट है, ये आपका रेडियस है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर मुझे स्लेंट हाइट निकालनी है जो कि एल है, वो आपका रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बेसिक है। आपको देखो ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपका कोण होता है ये आपका पिरामिड की तरह होता है, पिरामिड की तरह होता है, ठीक है। और जो आपका सिलेंडर होता है ये आपका प्रिज्म की तरह होता है। वैसे आपका ये क्यूब भी प्रिज्म है, ये आपका क्यूबॉइड भी प्रिज्म है, ये भी आपके प्रिज्म ही है। प्रिज्म की डिफिनेशन ये होती है कि इसके जो दो अपोजिट फेस हैं, कोई भी दो अपोजिट फेस, ठीक है, जो आपके आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है, और साथ में पैरेलल होने चाहिए, ये है प्रिज्म की डिफिनेशन। तो जैसे अगर आप क्यूब को ही देखो, कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो, जैसे मैंने अगर ये वाला फेस और ये वाला दो फेस ले लिया, तो ये आपके आइडेंटिकल भी है साथ में पैरेलल भी है, तो ये आपका प्रिज्म हो गया। यहाँ पे आप ये वाला फेस ले लो, साथ में आप ये वाला फेस ले लो, आइडेंटिकल भी है पैरेलल भी है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आप ये कोई भी दो फेस ले सकते हो ना, तो मैंने ये दो फेस ले लिए अपोजिट, तो आप देखो ये आपके आइडेंटिकल में पैरेलल में, तो ये आपका प्रिज्म हो गया, ठीक है। और पिरामिड आपका जो कोण की तरह होता है, ठीक है। बाकी आपको दिखाऊंगा अभी एक दो फिगर, आप समझ जाओगे। अब अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, प्रिज्म और पिरामिड के वॉल्यूम की बात करूं, या आप सिलेंडर के पहले वॉल्यूम की बात करो, तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया, और ये इंटू हाइट। तो बेस एरिया इंटू हाइट क्या है, ये आपका क्या है, आपका सिलेंडर का वॉल्यूम है, और यही वॉल्यूम आपका प्रिज्म का भी होता है। अगर मैं प्रिज्म के वॉल्यूम की बात करूं तो सिंपल आपका बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा प्रिज्म का वॉल्यूम। अगर मैं इस कोन के वॉल्यूम की बात करूं, देखो कोन जो है ना आपके सिलेंडर का 1/3 होता है, वॉल्यूम के मामले में जो आपका कोन होता है वो सिलेंडर के 1/3 होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पाई आर स्क्वायर एच क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसका 1/3 कर दो तो आपका कोन का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और कोन क्या है, कोन एक पिरामिड की तरह है, तो पिरामिड के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सिंपल आपका 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो अब से आप ये बात बिल्कुल भी भूलना मत, जो आपके प्रिज्म का वॉल्यूम होता है वो सिंपल बेस एरिया इंटू हाइट होता है, जो आपके पिरामिड का वॉल्यूम होता है वो 1/3 हो जाता है आपके बेस एरिया इंटू हाइट के, ठीक है। इसमें अब कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये भी कुछ बेसिक फॉर्मूले आप देख लो और इन दोनों की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो सिंपल देखो, आपको पता है जो कोन है, कोन का अगर मैं सी एस ए की बात करूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ, तो पाई आर एल होता है ना, तो फर्स्ट टर्म में आपको सिंपली आर की जगह आर प्लस आर डाल देना है, ठीक है, सी एस ए के लिए। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो सिंपल आपको फर्स्ट टर्म में क्या करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आपको आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर डाल देना है, तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, और इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो फेस और है, तो इन दोनों फेस को आप ऐड कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, बस आपको सिंपल याद रखना है, सी एस ए में आपका आर की जगह आर प्लस आर आ जाता है, और वॉल्यूम की बात करूँ तो आर स्क्वायर की जगह आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है इसको रिमेंबर करने का। अगर L इंटू बी इंटू एच डायमेंशन है क्यूबाइड की, तो उसका जो आपका डायगनल होगा वो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। अगर किसी भी क्यूब की साइड A है तो उसका डायगनल आपका क्या हो जाएगा, A रूट थ्री। और अगर किसी भी क्यूब का डायगनल आपका A है तो जो आपकी साइड हो जाएगी वो A बाई रूट थ्री हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं हम। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये बैंगल्स का ढेर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि ये क्या है, ये आपका 2πr है, ये आपका 2πr है, और इसी अगर 2πr को मैं हाइट तक मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2πrh, तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने सिंपली अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी का, मतलब जो नीचे से ऊपर तक सेम दिखता हो, जैसे अगर मैं कोन की बात करूँ तो कोन आपका ऊपर से नीचे तक सेम नहीं दिखता, लेकिन ये जो आपका प्रिज्म है ये प्रिज्म के शेप का ही तो है, तो आपको ऊपर से नीचे तक सेम कर दिखता है। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने पेरीमीटर इंटू हाइट कर दिया, तो मेरा क्या निकल के आ गया,
मेरा CSA निकल के आ गया। और प्रिज्म के CSA का यही फॉर्मूला है, अगर मुझे TSA निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, तो सिंपल CSA जो CSA है ये निकाल लूँगा, प्लस ये आपका क्या है, ये आपका अगर मैं आपको डार्क कलर से दिखाऊँ तो ये आपका क्या है, ये आपका पाई आर स्क्वायर है जो कि बेस एरिया है, और ऐसे नीचे भी एक बेस एरिया होगा, यहाँ पे भी ये भी आपका बेस एरिया होगा, तो 2 × बेस एरिया। यही आपके प्रिज्म का भी होता है, ये जो मैंने लिखा ना ये आपके प्रिज्म का होता है, प्रिज्म का, क्योंकि सिलेंडर एक प्रिज्म है। तो अगर प्रिज्म का आपको CSA कवर्ड सरफेस एरिया निकालना हो या लेटर सरफेस एरिया निकालना हो तो सिंपल पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो आपको 2 × बेस एरिया कर देना है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ प्रिज्म के, जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जो आपका बेस एरिया, जैसे ये अगर आपका फिगर है ये आपका बेस एरिया है, इसको आप हाइट तक मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, तो बेस एरिया इंटू हाइट आपका ये प्रिज्म का या आप सिलेंडर का कह सकते हो या क्यूब क्यूबॉइड का भी कह सकते हो, बेस एरिया इंटू हाइट जो होता है ये इनका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेंडर के फॉर्म में दिया है जो आप ऊपर ऑलरेडी देख चुके हो, वही चीज़ है कि अगर आपका क्यूबॉइड भी है तो बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया क्या हुआ, एल इंटू बी, और इसको हाइट तक मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, एल इंटू बी इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम प्रिज्म का, और आपको पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी यही होता है, तो आपका यहीं से आया है बेस एरिया इंटू हाइट से। यहाँ पर अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूँ तो देखो, अगर मुझे इसका CSA निकालना है, और मान लो ये इक्विलेटर ट्रेंगल है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये क्या है, ये आपका 3A है कि नहीं, पेरीमीटर भाई, पेरीमीटर आपका 3A है, इसको हाइट तक मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका क्या आ जाएगा, आपका सिंपल 3A इंटू आपका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, ये आपका CSA आ जाएगा। अगर मैं TSA निकालूँ तो आपको पता है CSA 3AH प्लस ये दो एरिया को ऐड कर दूँ ऊपर नीचे, दो बेस एरिया हैं, 2 × √3/4A² यही तो आ जाएगा, समझ रहे हो। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, बेस एरिया √3/4A² इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये आपका प्रिज्म है लेकिन ये ट्रेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है लेकिन ट्रेंगुलर प्रिज्म है, तो मैंने इसका आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है। अब आ जाओ हॉलो सिलेंडर पे। हॉलो सिलेंडर सिंपल कुछ नहीं है भाई, आपको सिलेंडर के अंदर से एक और सिलेंडर निकाल लिया गया है बाहर, तो आपका हॉलो सिलेंडर बन गया है, ठीक है। तो जो आपको ये बाहर सिलेंडर दिख रहा है, ये जो आपका, मैं आपको थोड़ा सा हाइलाइटर से दिखा दूँ, ये जो आपका बाहर सिलेंडर दिख रहा है ना, ये वाला सिलेंडर, ये आपका ऐसे थोड़ी सी थिकनेस वाली बॉडी बन जाएगी सिलेंडर की, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, ये जो पूरा आपको सिलेंडर दिख रहा है मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये आपका हॉलो सिलेंडर है क्योंकि अंदर खोखला है। तो अगर आपको इसका क्या निकालना हो, इससे आपको सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, आपसे TSA पूछ सकते हैं, टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, पहले आप इस बाहर वाले सिलेंडर का एरिया निकालो जो कि आपका 2π, अच्छा बाहर वाला का जो रेडियस होगा आर होगा, जो छोटा वाला रेडियस होगा वो स्मॉल आर होगा, ठीक है, तो 2πRH। अगर मैं अंदर वाला जो सिलेंडर दिख रहा है, ये जो सिलेंडर दिख रहा है, इसका अगर मैं CSA निकालूं तो आपका क्या आ जाएगा, 2πRH, लेकिन मुझे TSA निकालना है ना, टोटल सर्फेस एरिया, तो मुझे ये जो ये आपको जो रिंग दिख रही है इसका भी आपको एरिया निकालना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा प्लस 2, क्योंकि ऊपर नीचे 2 है ना, और पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसका एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, तो ये आपका हो गया TSA। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो सिंपल आपको बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का माइनस कर देना होगा, मतलब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आपका पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर देना होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इस हॉलो सिलेंडर का। तो वही दो चीज़ आपको कहा है, ये चीज दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चंस खुद से पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आपको सलूशन देखना है, ठीक है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 क्यूब्स को हमने इंड टू इंड लगा दिया, तीनों क्यूब्स आइडेंटिकल हैं, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा वो, तो इस क्यूबॉइड का आपको बताना है टोटल सर्फेस एरिया, ठीक है। ये फिगर दिया नहीं है क्वेश्चन में, मैंने अलग से लगाया जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका डायगोनल आपको 6√3 दिया है, तो इसका जो साइड आ जाएगा वो आपका 6 आ जाएगा। अब आपको इसका टोटल सर्फेस एरिया बताना है, तो आप सिंपली देखो, अब अभी के लिए जो साइड वाले फेस है ना, तो इसको भूल जाओ, आप सिर्फ अब ये वाला फिगर देखो, तो आपको ये क्यूब के चार फेस दिख रहे हैं, एक ये वाला फेस दिख रहा है, एक ये वाला फेस दिख रहा है, एक नीचे वाला दिख रहा है और एक पीछे वाला, ये चार फेस दिख रहा है। ऐसे इस क्यूब के भी आपको चार फेस दिख रहा है, इस क्यूब के भी आपको चार फेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये 4 × 12 फेस हो गया, और ये जो साइड वाले दो फेस है इसको भी ऐड कर लो, तो आपके पास टोटल 14 फेस हो चुका है, और एक फेस का जो एरिया होता है ए स्क्वायर होता है, क्योंकि ये क्यूब था, ठीक है।
तो ए की जो वैल्यू है आपकी 6 आ चुकी है, तो आपका ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ से आपको दिख रहा है 6×6=36 और 6×4=24, तो आपका जो इकाई वाला अंक है वो 4 आना चाहिए, तो आपका एक ही ऑप्शन है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 क्यूब है। तो देखो अभी आप ये साइड वाला फेस भूल जाओ, तो आपको इसका भी 4 फेस दिख रहा है, इसका भी 4 फेस 5×20 फेस दिख रहा है, 20 21 फेस और 22 फेस, टोटल 22 फेस है। एक फेस का जो आपको 3 दिया है अगर, तो 3×3 आपका हो जाएगा, 3 3 9 9 2 18, एक ही ऑप्शन में है, तो आपका यार कहाँ टिक मार दिया मैंने, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक ये आपका 2024 में अभी रिसेंट में जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है, तो आपसे कह रहा है एक रेक्टेंगुलर सीट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूँ। एक आपकी रेक्टेंगुलर सीट है जो आपकी 60×25 की है, हमने चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर लिया, पाँच पाँच डायमेंशन का। और अब स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं ना, फोल्ड कर दे रहे हैं, मतलब जो बची हुई सीट है इसको हमने रिमूव कर दिया, तो जो ये बची हुई सीट है इसको हम फोल्ड कर दे रहे हैं, तो आपका एक क्यूबॉइड बन जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जा रहा है। देखो यहां से ना इसको क्या किया गया है, सिंपली ये आपका बेस रख के ये जो पोर्शन है ये जो इसको फोल्ड कर दिया गया है, जिससे ये बॉक्स बन गया है। ठीक है, ये बॉक्स बन गया है, तो इसकी जो डायमेंशन है आप देख रहे होगे कि देखो पाँच पाँच से ये तो 5×5 चला गया, तो ये आपका 50×15 डायमेंशन बचा, क्योंकि आपको 10 जा चुका है, तो 50×15। और जो इसकी हाइट है, क्योंकि आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे ना, तो ये हाइट इसकी 5 है, तो जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 50×15× आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आएगी, 15×5=75 और 75×5=375, तो आपका 3750 आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आपसे, ये भी आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 rectangular sheets of paper each 60×36 are made into 2 right circular cylinders, 1 by rolling the paper along its length। मतलब एक बार हम इसको लेंथ के अगेंस्ट फोल्ड कर रहे हैं और एक बार इसको ब्रेथ के अगेंस्ट फोल्ड कर रहे हैं। अगर मैं इसको लेंथ के अगेंस्ट फोल्ड करूंगा तो आपका ये सिलेंडर बनेगा ना, सिलेंडर बनेगा, तो जो आपका ये है ये आपकी लेंथ थी, तो मतलब जो आपकी 2πr की वैल्यू है वो 60 आ चुकी है, तो जो आपकी r की वैल्यू आ चुकी है 60/2π आ चुकी है। ठीक है, और जो आपकी हाइट आ चुकी है वो आपकी 36 आ चुकी है। और इस वाले केस में अगर मैं इसके अगेंस्ट इसको फोल्ड करूंगा तो आपकी r की वैल्यू 36/2π आ जाएगी और जो आपकी हाइट आ जाएगी वो 60 आ जाएगी। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि वॉल्यूम बताना है इनका, इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। ठीक है, तो देख लो आपका क्या होता है। देखो पहली बात तो पाई आर स्क्वायर एच आता है ना, पाई आर स्क्वायर है, तो आपको दिख रहा है पाई से पाई तो दोनों साइड चला जाएगा, सिंपल आपका आर स्क्वायर एच बचा है, तो 60/2π × 60/2π × 36 रेशियो 36/2π × 36/2π और इंटू आपका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा 60 और 36 चला गया, 2π से आपका चला गया, ये आपका 5:3 आ चुका है इसका वॉल्यूम का रेशियो, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 cm एंड इट्स एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट आपका वॉल्यूम होता है, तो 20×8=160 इसका वॉल्यूम हो जाएगा। सीपीए 2024 का क्वेश्चन है। अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है, 4πr² इक्वल्स टू 6a² और मुझे क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब। तो अगर मैं r बाई a की बात करूं तो आपका क्या आ रहा है, 6a/4π का रूट, तो ये आप कह सकते हो r और a का जो रेशियो है √6a/4πr है। ठीक है, एक सीन यहाँ पे सिर्फ 6 होगा ना, यहाँ पे a कहाँ से आ गया, सिर्फ 6 होगा, √6/4π आ रहा है। मुझे वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। r क्या है, √6 × √6 × √6 है। रेशियो बताना है मुझे क्यूब का, तो a क्यूब क्या आपका √4π, इसका क्यूब करोगे तो 4π × √4π मिल जाएगा। तो आप देखो पाई से आपका पाई जा चुका है, आपका 4 से आपका 4 भी जा चुका है, और यहाँ पे ये आपका 6 बन जा रहा है, तो जो आपका 2√6, और यहाँ पे आपका ये क्या है, 2 ही तो है, तो आपका ये भी जा चुका है, आपका √6 √π आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिंपल सरफेस एरिया को इक्वल कर दिया, यहाँ से आर और ए का हमने रेशियो निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें पुट कर दिया है, तो ये हमारा सिलेक्शन पोर्ट 2024 का आसान सा क्वेश्चन था। द हाइट ऑफ वन कोन इज 3 times the height of another। तो अगर मैं हाइट की बात करूँ तो
तो पहले का 3 है, दूसरे का क्या है 1 है। वाइल इट्स रेशियस इज हाफ ऑफ द रेशियस ऑफ अदर वन, तो अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो इसका 1 है, इसका 2 है, क्योंकि हाफ है ना। इफ़ दियर वॉल्यूम इज 100 यूनिट, अगर इनका वॉल्यूम 100 यूनिट है तो एक काम करते हैं हम इनके वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या बात हो रही है, कौन की 1/3 πr²h होता है। तो भाई 1/3 π तो दोनों तरफ चला जाएगा, तो मतलब सिर्फ r²h का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो मेरा वॉल्यूम का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो r²h 3 हो गया, r²h आपका 4 होगा, तो 3:4 हो चुका। और आपको इसका जो वॉल्यूम दिया है ना दोनों का सम 100 यूनिट दिया, मतलब आपको 7 की वैल्यू 100 दी है और आपको डिफरेंस पूछा, मतलब आपको 1 की वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो 1 की वैल्यू इसको 7 से डिवाइड कर दो तो आपकी 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो आपका क्या आ जाएगा 1, आपका कितना 30 जा चुका है, तो 4.3 के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है। 14.2 समथिंग आएगा, तो 14.3 आ जाएगा, ठीक है। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, मतलब एल इंटू बी कह लो, ये आपका बी इंटू एच है और ये आपका एल इंटू एच है, ठीक है, एल इंटू एच है। आपको वॉल्यूम बताना है, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको ये एल बी एच का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ ना, 8×4 लिख रहा हूँ, इसको मैं 8×3 लिख रहा हूँ, और इसको 48 को मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको 4×3×3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एल बी एच ही निकालना, मतलब इसका मैं रूट कर दूँ, अगर एल बी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8×8 का पेयर निकाल लूँ, 4×4 का पेयर निकाल लूँ, 3×3 का पेयर निकाल लूँ, और आपका क्या बच गया, आपका 3 बच गया क्या, मैंने कुछ गलत किया, 4×3 = 12, 12×4 = 48 होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 और आ जाएगा, तो 8×4 = 32 और 32 × आपका क्या है 6 है ना, ठीक है, अच्छा दोनों बात लगा 192, तो 192 आपका इसका करेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइड का। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 cm इज ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर, इसमें देखो पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है कुछ, ठीक है, तो हम इसमें एक क्यूब को डाल रहे हैं, तो क्यूब उतना ही, जितना क्यूब का वॉल्यूम है उतना ही पानी रेज हो जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 8×8×8, और इसका जो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है इसका, हमारा 16×8 है, और जितना पानी राइज करेगा मान लेता हूँ ओ एच है, तो आपको इस एच की वैल्यू बतानी, तो 8 से 8 गया आपका, यहाँ से 2 गया, यहाँ से आपका 4 गया, तो आपका 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, उतना ही पानी आपका रेज कर जाएगा। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कवर्ड सर्फेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का कवर्ड सर्फेस एरिया कितना है, और ट्वाइस 2×2πrh, यही होता है आपका कवर्ड सर्फेस एरिया, ये इक्वल है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो मतलब ये πr²h के इक्वल है, तो पाई से पाई गया आपका, आर से आपका ये आर गया, एच से आपका एच गया, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है, तो आपसे वही पूछा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू रेडियस का कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, अ सिलेंड्रिकल रोड रोलर है मेड ऑफ ऑफ मेटल, इफ वन मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 1 मीटर उसकी लंबाई है, इनर रेडियस उसका इतना दिया है, थिकनेस मुझे उसका इतना दिया है। देखो इनर रेडियस अगर मुझे इसका 27 दिया है और थिकनेस 9 दिया, तो आउटर रेडियस मेरा 36 हो जाएगा कि नहीं, तो इनर रेडियस हमारा 27 है, आउटर रेडियस हमारा 36 है, और मुझे इसका वेट बताना है, अगर मुझे 1 cm³ का वेट 8 ग्राम दिया है, तो पहले मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम क्या होता है, πr²-r²×h, ये हमने वॉल्यूम पढ़ा किसका, हॉलो सिलेंडर का, ये हॉलो सिलेंडर ही है आपका, हॉलो सिलेंडर है, तो 22/22 नहीं लिखूंगा क्योंकि पाई लिखूंगा, पे पाई है, तो पाई r²-r² 36² - 27², ठीक है, πr²h, एच आपको 1 मीटर दिया है, तो आपको 100 cm मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में बात हो रही है, तो 100 cm मान लो, ठीक है, πr²h, और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है, तो 1 cm³ का जो है 8 ग्राम है, तो 8, आपसे kg में पूछा तो 1000 से डिवाइड कर दो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप पाई 9, इसको a+b a-b की तरह देखो, और 1363 लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हो, और आपको पता है जो आपका नीचे 10 बचा है सिर्फ, 8/10, तो आपको पता है एक पॉइंट आएगा ना, एक पॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो मतलब आपका ये वाला ऑप्शन हो सकता है सही, या तो आपका ये वाला ऑप्शन हो सकता है सही, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं। अब आप यूनिट डिजिट देख लो, 4 है, यहाँ पे क्या है 6, तो 8×3=24 और 9×4=36, तो आपका ये 6 है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और बता दूँ कि कैलकुलेशन करने की जरूरत काफ़ी जगह नहीं पड़ती, काफ़ी जगह पड़ती भी है, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो वैसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही इत्मीनान से आराम से क्या करो, जिससे आपकी गलती ना हो, क्योंकि अगर आप गलती कर दोगे फिर आप पैनिक हो जाओगे और दोबारा आपको
मतलब एक तो समय आपका पहले ही लगेगा कैलकुलेशन करने में, गलती कर दोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान से करना है कैलकुलेशन। पहले तो कैलकुलेशन लास्ट में क्या करो एकदम, ठीक है। द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है मुझे यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी है और उसका जो रेडियस है वो 5 और 3 दिया है मुझे। यहाँ पे वॉल्यूम बताना है करेक्ट वन। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये कोण का होता है। मैंने आपको बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर जगह आप क्या लिखोगे, r² + r² + rr, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो 1/3 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपका कितना है 25 प्लस आर स्क्वायर 9 प्लस 5 = 15 इंटू आपको करना है h, h आपका है 7, तो यहाँ से आप देख लो कितना जा रहा है आपका 25, 15, 40 49 नहीं आ रहा है ना, 49 इंटू 22/3 तो आपका 98 आपका आ रहा है 8, 7, 10/3 तीन तिहाई हो गया 3 5 3 9 359 आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपसे सिंपली कह रहा है कि एक हीप है वीट का इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन के फॉर्म में, जिसका बेस डायमीटर 8.4 दिया है, इसकी हाइट 1.75 दी है और इसको एक कपड़े से ढकना है। तो मुझे उस कपड़े का एरिया बताना है, मतलब सिंपली आपको कवर्ड सर्फेस एरिया बताना है उस कोन का, ठीक है। तो कोन आपका कुछ सपोज मान लो ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको डायमीटर 8.4 दिया, मतलब आपकी ये जो है ये 4.2 है, ये आपका 1.75 है। यहाँ पे आपको L नहीं पता, तो आपको L पता लगाना पड़ेगा। L आप कैसे पता लगाओगे, आपको देखो वैल्यू काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रही है, तो आप एक काम करो ना, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है, तो आप 7 को कॉमन ले लो, तो आपको ये 0.6 दिख रहा है। अगर आप इसमें 7 कॉमन लो तो आपका 0.25 दिख रहा है, ठीक है। तो आप एक बार 7 को कॉमन ले लो, तो आप इसका रेशियो देखो, रेशियो जो आ रहा है वो आपका 25:60 आ रहा है, 25:60 आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको निकालने की कोशिश करो, 3600 और आपका क्या आ गया ये 625, तो आपका 4225 आ चुका है, जो किसका रूट होता है 7/6 मतलब 6/5 का रूट होता है, ठीक है। तो ये आपका 65 आ जाएगा, तो 65 आएगा और भी आपका 65 तो आपका ये 7 × 0.65 आ जाएगा, ठीक है। 7 × 0.65 तो आपका एल आ जाएगा, क्योंकि आपने 7 का रेशियो लिया था ना, तो 7 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप इजीली पाई आर एल लिख सकते हो, पाई आर एल कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर आपका कितना था 7 × 0.6 और आपका जो एल था वो 7 × 0.65 था, तो आपका 7 से यहाँ पे 7 चला गया और बाकी आपका 22/7 154 होता है, और आपका यहाँ पे 22/7 154 होता है। यहाँ पे आपका 3 पॉइंट भी आएगा और आप देख लो यहाँ पे 6 × 5 = 30 होता है, हाथ लगा 3, 6 × 5 = 30 हाथ लगा 3, 6 × 36 = 3 39 तो आपका यहाँ पे 0.39 आ रहा है, 0.39 आ रहा है, ठीक है। तो 0.39 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही तो कर सकते हो, 9 × 36 हाथ लगा 3, 9 × 5 = 45 एक बार इसमें साफ से लिख दो ना, क्योंकि ये 154 साफ से दिख नहीं रहा, ठीक है। तो 6 0 हाथ लगा 1 तो आपका ये 60.06 आ रहा है, तो आपका ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शन भी काफी पास दे दिया, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था सॉल्व। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इनटू स्मॉलर स्फीयर, तो पहली बात तो पिघला के बना रहे, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हमारा इक्वल होगा, साथ में हम स्फेयर को स्फेयर में बना रहे हैं। तो आप देखो जो लिखते हो आप 4/3 πr³ = n, क्योंकि n बॉल्स हैं = 4 × 3 πr³, तो आप देखो 4/3 π को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्फेयर को स्फेयर में ही बदल रहे हो, तो वो आपका कट जाएगा। सिंपल आपको r³ लिखना है, r³ = n^r³, ठीक है, क्योंकि आपका 4/3 π कट जाएगा। तो आपका ये देखो ये चला गया, ये आपका ये चला गया, आपका सिंपल 8 आ चुका है, तो n की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिंपली एक सॉलिड कोन है जिसकी हाइट इतनी है, जिसका डायमीटर इतना है, उसको हम कट कर रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर में से, उसको कट करके निकाल रहे हैं, जिसका रेडियस 24 है। तो मुझे जो मटेरियल बच गया है, जो वेस्टेज मटेरियल है, उसका मुझे परसेंटेज निकालना है कि उसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मुझे परसेंटेज में बताना है ना, तो मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूँ कि इस कोन का जो रेशियो था और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो कितना है, ठीक है। तो अगर मैं कोन के कोन का वॉल्यूम निकालूं, अगर मैं रेशियो निकालूं कोन और यहाँ पे क्या है स्फेयर है, इनका रेशियो निकालता हूँ, तो 1/3 πr
आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 21 × 21 है क्योंकि डायमीटर आपको दिया है और हाइट आपकी 42 है, ये हो गया। और स्फेयर की बात करो तो 4/3 πr³, आर कितना आपका 24 है, तो 24 × 24 × 24 आ चुका है। तो अगर आप देखो पाई बाई थ्री से आपका पाई बाई थ्री चला गया आपका, अगर मैं और दिखाऊं तो आप इसको 3 से काटो, 3 × 7 = 3 × 7 = 3 × 8 = 3 × 8, इसको अगर मैं 6 से काट दूँ तो 6 × 7 = 6 = 24, तो मुझे यहाँ पे 343 रेशियो में 8 × 8, यहाँ पे इसको आप 4 × 2 की तरह देखो तो ये 8 हो गया, मतलब 512 × 2, मतलब 1024 आपका आ गया रेशियो। ये स्फेयर का रेशियो है, ये कोन का रेशियो है, ठीक है, वॉल्यूम। तो ये जो आपका कोन का वॉल्यूम है ये आपने इसमें से निकाला है ना, आपको क्या कहा है कि आप स्फेयर में से काट करके निकाल लो, तो आप 10 × 24 में से 343 आपने निकाल लिया तो बच कितना गया, बच गया आपका यहाँ पे 1, आपका यहाँ पे बच चुका है कितना, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे आपका 8 बच जाएगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा 6, तो 681 आपका बच गया मटेरियल, ये आपका वेस्ट हो चुका है क्योंकि आपने कोन निकाला था, ये मटेरियल आपका वेस्ट हो चुका है और आपको इसी का बताना है आपने निकाला किसमें से था, इसमें से निकाला था, ठीक है। तो 681 बच गया है आपका 1024 में से इंटू 100 आपका इतना परसेंटेज हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज निकालो, तो आप सिंपली आपको 1024 को डिवाइड कर देना है 68100 से, तो आपका ये कितने बार चला जाएगा, आपका 6 बार चला जाएगा, तो आपका 144 और आपका 6, तो यहाँ से आपका 6 आ चुका है, यहाँ से भी आपका 6 आ चुका है और यहाँ से आपका 6 आ चुका है, फिर आपका ये 6 बार ही जाएगा 6144, तो आपको 66 point something आएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी कैलकुलेशन थी, तो आपको बहुत ही इत्मीनान से करना है। वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर मैं देखो मेंसुरेशन सबसे इजी टॉपिक है और मैं मेंसुरेशन को कभी भी अलग से नहीं पढ़ा, जो मैंने 10-12 महीने से मैं पढ़ा है ना उसी से पढ़ा है, मैंने कभी भी अलग से नहीं पढ़ा, ठीक है। प्रिज्म पिरामिड का कॉन्सेप्ट मैंने भले से समझाओ अच्छा, और प्रिज्म पिरामिड मैंने खुद से ही समझा है क्योंकि कोई भी टीचर आपको कन्फ्यूज कर देता है, ठीक है, आप खुद पढ़ के देख लेना, मैं जितनी क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ ना प्रिज्म पिरामिड आपको कोई नहीं बता पाएगा, तो वही चीज़ है। तो आपको बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। एक हॉलो स्फीयर हैज़ एन आउटर रेडियस 6 एंड इनर रेडियस 3, मुझे क्या बताना है वॉल्यूम बताना है हॉलो स्फीयर का, तो 4/3 πr³ - r³, 6³ आपका कितना है 216 −3³ 27 कर दो, इसको 3 से आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, काट दो 3 × 7 = 3 × 9, तो आपका कितना आ गया, आपका 63 आ चुका है क्या, हाँ 63 आ चुका है, 63 × 4 कर दो आप, 63 × 4 π, तो कितना आ गया आपका 4 × 3 = 12, हाथ लगा 1 × 6 = 24 = 25, 252 π आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 मीटर इज ड्रॉन इनटू मतलब वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, मतलब इसी को आप स्फीयर को सिलेंडर बना दे रहे हो तो वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा, तो 4/3 πr³, r आपका 9 है, 9 × 9 × 9 इक्वल्स टू आपको क्या बताना है, सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, πr² h, तो πr² ही आपको r ही बताना है, h आपको कितना दिया है 12 मीटर, तो 12 यहाँ से आप r की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। अ सॉलिड हेमिस्फेयर हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड, मेल्टेड मतलब वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स कर्व सर्फेस एरिया टू द टोटल सर्फेस एरिया इज 2:5, ठीक है। तो इसका कर्व सर्फेस, इस सिलेंडर की ही बात हो रही है अभी, तो इस सिलेंडर का अगर मैं कर्व सर्फेस एरिया की बात करूँ तो आपका 2πr² h होता है कि नहीं, अगर अगर मैं यहीं पर टोटल सर्फेस एरिया की बात करूँ तो टोटल सर्फेस एरिया ना, तो 2πr h + r होता है कि नहीं, तो ये आपका 2/5 दिया, तो आपको यहाँ से दिख रहा है 2πr से 2πr चला गया, h की वैल्यू 2 है, यहाँ पे h की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू 3 है, तो h और r का रेशियो 2:3 है, तो मुझे रेडियस बताना है उसके बेस का, ठीक है। तो अब सॉलिड हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है जो कि 2/3 πr³ होता है, तो r³ आपका 21 × 21 × 21 हो जाएगा, ये आपके सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, तो πr² इसको आप x मान लो, तो πr² मतलब 9x² मैं थोड़ा सही से लिख दूँ क्योंकि कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आप करोगे बताओ, 9x² × 2x, तो πr² h, ठीक है। तो यहाँ से आप इजिली x की वैल्यू, आपको x की वैल्यू नहीं 3x की वैल्यू बतानी है, तो आप इजिली बता सकते हो, ठीक है, मेरे ख्याल से तो आप इजिली बहुत ही ज़्यादा इजिली बता सकते हो।
आपका देखो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे आपका 9 नीचे आ जाएगा तो आपका 3 × 3 नीचे आ जाएगा, पाई से पाई आपका चला जाएगा, ठीक है। तो आपका आर की जो वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, आपकी 7/3 आ जाएगी। लेकिन आपको 3x की वैल्यू बतानी है तो आपका 7 सिंपली आ जाएगा। 3x की वैल्यू आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस, 7/3 21/3 आएगा ना, 21/3 आएगा और इंटू 3 कर दोगे तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा, आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब इज इतना दिया है मुझे 5.6, मुझे वॉल्यूम बताना है लार्जेस्ट स्फीयर, तो क्योंकि देखो लार्जेस्ट स्फीयर ये आ चुका है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो साइड का आधा हो जाएगा, मतलब 2.8 हो जाएगा। तो आपको सिंपल 4/3 और 4/3 इंटू पाई आर क्यूब 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8 करना है सिंपल। तो ये आपका 0.4 आ चुका है, ये आपका 7.84 आ जाएगा। और अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से करो। अ 22 meter हाई टेंट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर, मतलब यहाँ पे एक आपका ये फ्रस्टम है, ये आपका क्या है, ये आपका फ्रस्टम है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है जिसका जो इफ द डायमीटर ऑफ द अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम इज 21 and 39, तो ये आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो आपका ये 21/2 आ जाएगा, ये रेडियस आपका 39/2 आ जाएगा, ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ यूज टू मेक टेंट, मुझे यहाँ पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखो, तो मुझे और भी कुछ दिया है क्या, और कुछ मुझे दिया है 22 meter हाइट है इसकी टोटल। तो अगर ये 21/2 है जो कि 10.5 है, तो ये भी आपका 10.5 हो जाएगा कि नहीं, और टोटल जो हाइट है वो 22.5 है, तो ये आपका 12 हो जाएगा कि नहीं, 12 और 10.5 आपका 22.5 बनता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पे L नहीं पता, मुझे L निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो L निकालने के लिए आप इसको ऐसे कर दो, तो ये आपका R-R हो जाएगा, ये आपका सिंपली ये क्या हो जाएगा, R-R हो जाएगा। तो 39/2 में से आप 21/2 माइनस करोगे तो आपका मेरे ख्याल से 18/2 मतलब 9 आ जाएगा। तो ये आपका 9 आ चुका है, ये आपका 12 आ चुका है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 144, 81, आपका 225, मतलब ये आपका L की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो। तो देखो सिंपली कैसे करना है आपको, ये आपका कितना था, 21/2 था ना, इसको मैं 21/2 ही लिख दूँ क्या, इसको मैं 21/2 ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मैं इस हेमिस्फेयर का निकालूँ सी एस ए, तो 2πr² 2 × 22/7 × 21/2 × 21/2 आएगा कि नहीं आएगा, 2πr². अगर मैं इसका निकालूँ फ्रस्टम का तो पाई आर एल, आर की जगह आर प्लस आर हो जाता है सिंपली, तो पाई पाई आर, आर की वैल्यू आपकी कितनी आई है, आर की वैल्यू आपकी आई है आर प्लस आर हो जाएगा। तो आर प्लस आर जब आप करोगे 39 में से आप 21 जोड़ोगे तो आपका 60 आ जाएगा, 60/2 30 आ जाएगा, 30, ठीक है। आर प्लस आर करो 30 आ जाएगा, एल की वैल्यू आपकी आ चुकी है 15। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ, देखो डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, तिहाई 2 से 2 गया, 2 से आपका यहाँ पे 11 आ चुका है, ये आपका 63 है और 63 आपका कितना आ जाएगा, 693 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार मैं रफली निकालूँ क्योंकि देखो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, यहाँ पे देखो ऑप्शन सारे काफ़ी दूर दूर है, तो एक बार रफली निकालता हूँ मैं, तो आपको दिख रहा होगा ये देखो ये लगभग 3 बार जा रहा है ना, 3.14 ही तो है ये, 3.14 15 × 3 = 45 तिहाई कितना हो जाता है आपका, या देखो यार 9 मान लो इसको, 3 × 9 = 135 मतलब 1350, लगभग 1350 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी इसमें, 693 आप ऐड कर दो, 3, 4 हाथ लगा एक, ये आपका ये, तो 20, 2043 के आसपास आपका देखो यही एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्रॉक्स में भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का देखो क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ अ डायमीटर 4 cm इज कट आउट फ्रॉम ईच फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 cm, मुझे सरफेस एरिया बताना है उस रिमेनिंग सॉलिड का। तो सिंपल क्या कह रहा है कि ये मानो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके हर फेस में से, मैंने एक फेस दिखा रखा है लेकिन हर फेस में से हम एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को निकाल रहे हैं। जैसे आप ये मान लो कि कोई आइसक्रीम का पैकेट भरा हुआ है और जो आइसक्रीम वाली चम्मच होती है वो भी आपके हेमिस्फेरिकल शेप की होती है, तो आपने बीच में से एक चम्मच निकाल लिया तो आपको दिख रहा होगा अब क्या शेप बचा है, आपको दिख रहा होगा एक, सपोज़ ये अगर इसका एरिया मैं आपको निकालूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एरिया बता रहा हूँ, तो इसका जो एरिया है वो पहले ए स्क्वायर था, इस पूरे स्क्वायर वाले सीट जो स्क्वायर फेस है इसका एरिया ए स्क्वायर था, इसमें से आपको एक सर्कल कटा हुआ दिखेगा जो कि -πr² हो गया, और साथ में आपको एक हेमिस्फेयर वाली एरिया भी तो दिखेगी जो कि 2πr² है, ठीक है। तो
तो ये आपको एक फेस का एरिया दिखेगा जो कि सिंपली आपका ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर है। ऐसे आपके टोटल छः फेस हैं, तो जो आपका एरिया हो जाएगा 6 × a² प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं और इसको हम अप्रॉक्स में सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑप्शंस आपके काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है। तो 6a² तो a आपका क्या था, 10 था। 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, 6πr² 6 × π की वैल्यू हम 3.22/7 ले लो और a कहता है 2 × 2 है क्योंकि डायमीटर आपको दिया है ना, तो आपका जो रेट होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो ये 600 आ चुका है, और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपका देखो ये आपका लगभग 3 बढ़ जाएगा और 6, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24 24 × 3 आपका हो जाता है 72, ठीक है। तो 72, तो 672 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो आपका 675 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से बिना कैलकुलेशन किए भी इसको कर सकते हो। तो अब हम प्रिज्म और पिरामिड पढ़ लेते हैं। देखो प्रिज्म तो बहुत आसान है, अगर मैं प्रिज्म के वॉल्यूम की बात करूँ, तो सिंपली ये बेस एरिया इंटू आपका हाइट होता है, वॉल्यूम और कुछ नहीं। जैसे अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूँ तो इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है, तो √3/4a² इंटू हाइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो आप अगर आपको साइड ए दिया हो ना, तो आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते, तो आपको नहीं दिया होगा ऐसे, आपको पूरा बेस एरिया ही दिया होगा, इंटू हाइट कर दोगे तो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ए दिया हो, क्योंकि हेक्सागन है और हेक्सागन का हमें बेस एरिया निकालना आता है, तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो 6 × क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बन के बनता है ये, तो √3/4a² इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको बेस एरिया ही दिया होगा, आपको साइड देके नहीं पूछेगा, और बाकी इन सब का भी आप बता सकते हो, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम में तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं पिरामिड के भी वॉल्यूम की बात करूँ तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको, देखो पहली बात तो पिरामिड से आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए, पिरामिड, और ये आपको कोन की तरह दिख रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, कोन की तरह। मैंने आपको बताया कोन का क्या होता है, पिरामिड का क्या होता है वॉल्यूम, पिरामिड का सिंपल 1/3 हो जाता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। जैसे अगर मुझे इसका निकालना हो वॉल्यूम पिरामिड, तो पिरामिड है, पिरामिड से आपके दिमाग में ये आएगा पिरामिड, और उससे आपके दिमाग में आ जाएगा कोन, कोन से क्या है? मुझे पता है कि 1/3 होता है सिलेंडर का, सिलेंडर प्रिज्म में, तो 1/3 हो जाएगा बेसिकली। तो 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया पे हेक्सागन है, हेक्सागन का बेस एरिया क्या होता है, 6 × √3/4a² इंटू हाइट आपको दी होगी, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया है पिरामिड का। तो पिरामिड का आप ऐसे ही निकाल सकते हो, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1/3 इंटू बेस एरिया आपका ए स्क्वायर दिख रहा है इंटू हाइट। अगर मैं इसका बात करूँ तो 1/3 इंटू बेस एरिया कितना है, √3/4a², क्योंकि यहाँ पे ट्रेंगुलर बेस एरिया है, इंटू हाइट। तो बस वॉल्यूम निकल के आएगा, मतलब वॉल्यूम बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कवर्ड सरफेस एरिया भी बहुत ईजी है, कैसे, मैंने आपको बताया पेरीमीटर इंटू हाइट, ये आपका कवर्ड सरफेस एरिया होता है प्रिज्म का, पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर आप निकाल लो तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 3a ही तो आएगा, इंटू हाइट कर दो। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो 4a इंटू हाइट कर दो, इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो 5a इंटू हाइट कर दो, इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो भाई क्या हो जाएगा, 2l + b इंटू हाइट कर दो, इसका बात करूँ तो 6a इंटू हाइट कर दो, इसका 8a इंटू हाइट कर दो। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है, पेरीमीटर इंटू हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो भाई ये जो दो फेस मुझे दिख रहे हैं बेस एरिया, इनका एरिया ऐड कर दो तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, तो +2। अब हम क्या निकाल रहे हैं, TSA निकाल रहे हैं, +2 × बेस एरिया, बेस एरिया कितना, √3/4a², ऐसे ही +2 बेस एरिया कितना, a² +2 बेस एरिया कितना, lb +2। अब यहाँ पे आपको साइड देखे नहीं पूछेगा, आपको बेस एरिया पूरा दिया होगा, क्योंकि हम पेंटागन का एरिया निकालना में नहीं आता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, वो नहीं आता है, ठीक है। इस बार आया भी था एक क्वेश्चन, लेकिन वो गलत पूछ लिया, तो क्वेश्चन नहीं, ठीक है, उसका आंसर भी गलत है। इसका बेस एरिया कैसे निकालोगे, हमें पता है ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनके बनता है, तो दो बेस एरिया निकालना है, तो 2 × 6 √3/4a². इसका भी आपको नहीं दिया होगा, आपको डायरेक्ट बेस एरिया दिया होगा, तो 2 बेस एरिया कर दोगे, ठीक है, 2 बेस एरिया। तो ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस, ये आपका कर्व्ड है, ये पूरा आपका टोटल है प्लस के आगे, ठीक है। तो इतना आसान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, प्रिज्म तो बहुत आसान है, इसका भी पिरामिड का भी वॉल्यूम बहुत आसान है, हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल हमको कर्व्ड सरफेस एरिया देखना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आपको ये वाला फिगर दिखाऊं तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे अगर बेस ट्रायंगुलर है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ,
अगर बेस ट्रेंगुलर है तो यहाँ पे तीन ट्रेंगल बनेंगे, मतलब अगर लेटर सरफेस एरिया की बात करूँ आपको तीन फेस दिखेगा ट्रेंगल का। अगर स्क्वायर बेस है तो आपको चार फेस दिखेगा। अगर आपको मैं सिर्फ लेटरल फेस की बात कर रहा हूँ, बेस एरिया की बात नहीं कर रहा ना, बेस एरिया को लेकर यहाँ पे चार फेस दिखेगा, यहाँ पे पांच फेस दिखेगा और यहाँ पे आपको सात फेस दिखेगा। लेकिन अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो आपको यहाँ पे छः साइड है ना, इसका बेस हेक्सागोनल है तो आपको यहाँ पे छः दिखेगा, छः ट्रेंगल दिखेंगे साइड में। यहाँ पे आपको तीन ट्रेंगल दिखेंगे, आपको चार ट्रेंगल दिखेंगे, तो आपको उन्हीं का एरिया निकाल लो तो आपका कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, और उसमें बेस एरिया को ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं सबका, ठीक है। तो देखो सबका, ये मान लो कि सबका बेस हमारा क्या है, बेस ए होगा और हाइट, एक से नहीं थोड़ा चल नहीं रहा है पता नहीं क्यों सही से, जो हमारा बेस है सबका सारे फिगर का वो ए है, और जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट है वो हमारा एल है। तो अगर मैं इसमें देख लूँ तो इसमें तीन फेस बनेंगे। अगर मैं सी एस ए की बात करूँ सिर्फ, तो यहाँ पे तीन फेस बनेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको इस फेस का निकालना है, सपोज ये वाला जो आपको फेस दिख रहा है, ये वाला जो फेस आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये वाला जो फेस दिख रहा है, अगर मुझे एरिया निकालना तो हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट करूँगा तभी तो निकलेगा। तो बस वही आपको करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीन ट्रेंगल, तो तीन इंटू हाफ इंटू बेस, बेस मैंने माना था ए और स्लैंट हाइट मैंने माना था एल, तो ये आपका हो गया इसका कवर्ड सर्फेस एरिया। अगर इसके कवर्ड सर्फेस एरिया की बात करूँ तो आपको चार ट्रेंगल दिखेगा, ठीक है, चार इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट आपका एल माना था, स्लैंट हाइट लेना क्योंकि ये स्लैंट हाइट ही तो है भाई। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो इस फेस का तो स्लैंट हाइट ही तो है। अगर मैं इसका निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सिक्स फेस मुझे दिखेगा यहाँ पे, सिक्स हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट। अब आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो ये 3a क्या है भाई, 3a इसका पेरीमीटर है कि नहीं, ये ट्रेंगुलर बेस है तो 3a इसका पेरीमीटर हुआ कि नहीं। यहाँ पे 4a क्या है, 4a इसका पेरीमीटर हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे चार ये आपका क्या है, आपका क्यूब है या क्यूब है ना, सॉरी क्यूब कह रहा हूँ, स्क्वायर बेस है, तो आपका 4a क्या है, 4a इसका पेरीमीटर है। अगर ये 6a क्या है, ये 6a इसका पेरीमीटर है, ये देखो साफ साफ पेरीमीटर है। तो अगर मैं फार्मूला देखूँ यहाँ पे तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, यहाँ पे अगर देखूँ तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, यहाँ पे देखो अगर हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो जो आपका सी एस ए का एक कॉमन फार्मूला निकल के आया वो सिंपल आपका हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ये आपका फार्मूला निकल के आया, ठीक है। आपको स्लैंट हाइट ही दिया होगा, अगर आपको स्लैंट हाइट ना देखे नॉर्मल हाइट देगा तो वो आपको सिर्फ स्क्वायर वाले केस में ही देगा सिर्फ, ठीक है। अदरवाइज आपको कुछ भी दिया हो आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। अभी मैं आपको आगे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको क्या दिया होगा, सिर्फ स्क्वायर वाले केस में ही आपको हाइट दिया होगा, स्लैंट हाइट आपसे पूछ सकता है, आपको या तो निकालना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, देखो भाई आपको अगर मैं दिखाऊं ध्यान से देखो, तो देखो ये क्या है, ये आपको हाइट दिया है, अगर मैं दूसरे क्रॉस दिखाता हूं, ये आपको क्या दिया, ये आपको हाइट दिया है, ये आपको आपका आर मान लो, ये आर है क्या, ये भाई ये साइड का आधा ही तो है, ये साइड का आधा ही तो, ये आपका ए बाई टू ही तो है। तो अगर मुझसे एस निकालने को पूछ ले स्लैंट हाइट, तो सिंपल आपका एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर ही तो होगा, और कुछ थोड़ी होगा। तो इतना आसान है, आपको ये सिर्फ स्क्वायर वाले बेस में ही देगा, ये बात जान लो, ठीक है, बाकी केसेस में आपको नहीं देगा, ठीक है। अगर मुझे टी एस निकालना हो तो टी एस में सिंपल भाई मैं इसमें बेस एरिया ऐड कर दूंगा, इसका बेस एरिया कितना हो जाएगा, सिंपल इसका बेस एरिया हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर को मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर को ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा बेस एरिया में, सिक्स इंटू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। इतना क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस आपको यही करना है। तो मैंने क्या पढ़ा, देखो प्रिज्म, अगर मैं बात करूँ प्रिज्म की, तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो आपका बेस एरिया इंटू हाइट होता है, प्रिज्म का जो सी एस ए होता है वो पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, प्रिज्म का अगर मैं टी एस ए बात करूं तो सी एस ए प्लस बेस एरिया होता है। अगर मैं पिरामिड का वॉल्यूम की बात करूं तो मुझे पता है पिरामिड वन थर्ड हो जाता है, वन थर्ड इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अगर मैं पिरामिड का सी एस ए की बात करूं तो क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर ठीक है, इंटू क्या होगा, इंटू स्लैंट हाइट होगा, जो कि एल से मैं डिनोट कर रहा हूँ। अगर टी एस ए की बात करूँ तो सिंपल आपका सी एस ए प्लस बेस एरिया हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी आप इसको रिलेट कर पाओगे अब फिगर टू फिगर, ठीक है। आपको अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फार्मूला याद नहीं करना है, अब आपको सोच के ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिरामिड का।
जैसे अब यहाँ पे देखते हैं तो टोटल सरफेस एरिया मुझे दिया है किसका, राइट पिरामिड, पिरामिड हो गया विद बेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बेस है तो इसका अगर मैं बात करूँ क्या पेरी, और मुझे टोटल सर्फेस एरिया दिया है तो यहाँ पे एक आपका बेस एरिया ऐड होगा, बेस एरिया आपका क्या है ए स्क्वायर मतलब 64 बेस एरिया प्लस यहाँ पे हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस 8 × 32 इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल हो गया और यही आपको टोटल सर्फेस एरिया आपको दिया है 208। अगर आप देखो ये 16 है, अगर आप 16 से काट दो तो 16 × 16 = 16 और 16 × 3 = 48 तो यहाँ से आपकी एल की वैल्यू डायरेक्ट 9 निकल के आ रही है कि नहीं, और आपसे शायद वही पूछा है स्लैंट हाइट पूछा है, तो आपका 9 करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान है, बस आपको सोचना है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, राइट पिरामिड है, स्क्वायर है, साइड 10 है, हाइट मुझे दिया है और मुझे यहाँ पे एरिया बताना है लेटर सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पे हाइट दिया, मैंने कहा था हाइट तभी देगा जब उसका स्क्वायर बेस होगा, अदरवाइज आपको स्लैंट हाइट ही देगा। तो आप इजीली निकाल सकते हो, हाइट आपको 10 दिया है, आपका जो बेस है वो 10 दिया है। तो देखो आप ध्यान से देखो, अगर इस वाले फिगर में अगर आपको समझा दूँ तो आपको ये 10 दिया है, आपको ये भी 10 दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 सिंपली, ये 10 दिया तो आपका ये कितना हो जाएगा, √125 हो जाएगा। तो अगर आप इसमें से निकाल लो 5 तो आपका सिंपल 5√5 आ जाएगा, ठीक है, वही चीज़ दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बताया था, वैसे भी बताया था, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो L का फार्मूला होता है वो √H² H क्या दिया है आपको, 10 दिया है और प्लस साइड का हाफ का स्क्वायर, साइड का हाफ कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 का स्क्वायर, तो आपका ये 5√5 आ जाएगा आपका L। और आपसे क्या पूछा, आपसे लेटर सरफेस एरिया पूछा मतलब हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, जो कि आपको क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ बेस 10 × 4 = 40 और इंटू आपको लेटर सरफेस एरिया जो मैंने 5√5 निकाल लिया, तो यहाँ से आपका 100√5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। एक सेकेंड क्या हो गया, द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटर ट्रेंगल विद साइड 8 एंड हाइट मुझे दिया है, मुझे वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो आराम से वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 हो जाता है पहली बात तो, क्योंकि पिरामिड से आपको पिरामिड याद आएगा, पिरामिड आपका कौन का शेप होता है, मतलब 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया इक्विलेटर ट्रेंगल है तो √3/4 8² और इंटू हाइट, हाइट आपको दिया है 30√33, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से √3 और √3 आपका 3 बन जाएगा, यहाँ पर √11 बच जाएगा जो कि कहीं जाएगा नहीं, तो आपका यही वाला ऑप्शन हो सकता है, बाकी आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो √3 ये क्या है, ये आपका √3 इंटू √11 ही तो है, तो √3 तो √3 बन जाएगा, लेकिन आपका √11 कहीं पे भी कट नहीं रहा, तो √11 आना चाहिए जो कि आपका सिर्फ इसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे √3 भी आ रहा है लेकिन आपका √3 नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अ पिरामिड हैज इक्विलेटर ट्रायंगल एज इट्स बेस ऑफ विच ईच साइड 8 सेंटीमीटर, साइड 8 है, इट्स स्लैंट एज, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लैंट एज दिया है, ठीक है। यहाँ पे ना ही आपको स्लैंट हाइट दिया है, ना ही आपको हाइट दिया, आपको स्लैंट एज दिया, मतलब ध्यान से अगर आप इस फिगर को देखो ना तो आपको स्लैंट एज दिया है, देखो आपको ये दिया है, ये आपका स्लैंट एज है, ये स्लैंट एज है, और आपका ये क्या है, ये आपका बेस का हाफ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आपको साइड 8 दिया है ना, तो आपका ये 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और स्लैंट एज आपको कितना दिया है, स्लैंट एज आपको 24 दिया है, तो आपका ये 24 हो चुका है, ठीक है। और आपको यहाँ पे हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लैंट हाइट का आपको काम पड़ता है CSA में, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड देखो, 24 ही दिया है ना, 24 दिया है ना, ठीक है। तो 576 -16 कर दो, 560 का रूट, 560 का रूट, 560 के रूट को आप क्या लिख सकते हो, ये आपका √560 आ जाएगा, ठीक है। रूट, एक सेकंड मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, ठीक है, तो ये आपका √560 आ चुका, पाइथागोरस लगा दो ना, तो √560 आ चुका है। 560 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 7 × 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं 8 × 16 तो √4 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो √4 आ गया मेरा स्लैंट हाइट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है, मुझे यहाँ पे होल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया बताना है, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, बेस का एरिया, बेस एरिया क्या है, √3/4 × साइड मुझे दिया था 8 दिया था, तो 8 × 64 8 × 8 लिख दो, ये बेस एरिया हो गया। और मैंने क्या पढ़ा था, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 8 × 3 = 24 इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आपको √4√35 दिया है, तो यहाँ से आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो, 4 × 8 × 16 √3 और प्लस आपका क्या आ जाएगा, प्लस आपका 48√35 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है और आपको कोई भी अलग अलग फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे प्रिज्म है और पिरामिड है, सेम बेस है, सेम हाइट है, मुझे रेशियो बताना है वॉल्यूम का, प्रिज्म और पिरामिड। तो मैंने बताया था ना जो पिरामिड होता है 1/3 होता है प्रिज्म का, तो भाई ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है 3:1 के वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आखिरी आपका प्रिज्म का है। देखो द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज ट्रेपीजियम हूज पैरेलल साइड, इतना दिया है मुझे, और इसका जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो 9 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है मुझे, हाइट बताना है। देखो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल बेस एरिया इनटू हाइट। यहाँ पे बेस एरिया क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेपीजियम फेस है तो मुझे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, जो मुझे 26 दिख रही है, और डिस्टेंस बिटवीन टेम मतलब हाइट जो है वो 9 दिया है, इनटू हाइट, हाइट मुझे नहीं पता है, मतलब हाइट ही मुझसे पूछा है, इनटू हाइट इक्वल्स मुझे वॉल्यूम दिया है 1614.6। तो यहाँ से आपका ये 13 बार में चला जाएगा, 9 से आप एक बार काट दो तो 9 51 9 होता है 7 67 63 होता है, 7 8 84 9 और 0.4। अगर मैं इसको 13 से काटूं तो 13 51 13 होता है 49 आपका जा चुका है, 13 51 13 होता है ना, ठीक है 49। ठीक है 49 है, ठीक है 49 है, ठीक है सही तो है, 13 3 आपका 39 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 13.8 आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो आपका 13.8 आपका एच आ जाएगा। तो यहाँ से आपका चैप्टर हो गया फिनिश। प्रिज्म के क्वेश्चन एक ही था, क्योंकि बहुत ही आसान है प्रिज्म ना भाई, बेस इनटू एरिया ही तो करना है। अगर मैं सीएससी की बात करूँ तो आपका पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, अगर मैं टीएससी की बात करूँ तो उसमें आप 2 बेस एरिया ऐड कर दो। पिरामिड की बात करूँ, पिरामिड का वॉल्यूम बहुत आसान, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अगर मैं पिरामिड के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो इस सीएसए में आपको बेस एरिया ऐड कर देना है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ही आसान है प्रिज्म और पिरामिड आपका, और बाकी आपको कैलकुलेशन ही है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं तो उसको आपको बहुत ही इत्मीनान से करना है, क्योंकि आप उसमें गलती नहीं कर सकते, आराम से करो। लोग पूछते हैं सर आप कैलकुलेशन की ट्रिक बताओ, या कैलकुलेशन जो भी थोड़ी बताना होता है मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। अलग से मैंने कभी भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की, ना मुझे कभी जरूरत पड़ी भाई। बहुत सारे क्वेश्चन तो आसान होते हैं, बाकी जिसमें कैलकुलेशन है वहाँ पर आपसे अप्रॉक्स पूछता है, ठीक है भाई, अप्रॉक्स पूछता है वहाँ पे आप डिजिटल सम, ये सब फर्जी है फिर। और डिजिटल सम तो सबसे फर्जी मुझे लगता है, क्योंकि भाई आप हर किसी में डिजिटल सम थोड़ी लगाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, समझ रहे हो। तो ये होता है, और जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है कैलकुलेशन की वहाँ से अप्रॉक्स में पूछ लेता है, तो फेल हो गया, ठीक है। इस वजह मैं डिजिटल सम कभी भी नहीं लगाता, यूनिट डिजिट में लगाता, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी डिजिटल सम आपको बेकार है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप बता देना आपको क्लास कैसी लगी।